आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार का उदाहरण और उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तथा आप कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार दी गई पंक्ति में है या फिर नहीं है। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपमा अलंकार आपकी परीक्षाओं में पूछा जरूर जाता है। और इस वीडियो के बाद आपको उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार का उदाहरण या उपमा अलंकार के अंगों के बारे में रटना नहीं पड़ेगा, ये आपसे मेरा वादा है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों या वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है या उपमा अलंकार का लक्षण क्या है, सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से वस्तु की वस्तु से व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास दो पेन हैं और दोनों ब्लैक पेन हैं और दोनों में क्या गुण है, दोनों में यह गुण है कि दोनों ब्लैक चलते हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ किसी वस्तु की, मान लीजिए इस पेन का इस पेन के साथ तुलना की जाए कि जो गुण इस पेन में है यह भी ब्लैक चलता है और यह पेन भी ब्लैक चलता है, दोनों में एक जैसा गुण है, दोनों ब्लैक ही चलते हैं और एक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या की गई है, उपमा की गई है यानी तुलना की गई है। और तुलना करना ही उपमा कहलाता है। और जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण सिंपल सा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा के चरणों की उपमा किसके समान की गई है, गुलाब के समान। यहाँ पर राधा के चरणों की तुलना या उपमा गुलाब के फूल के समान की गई है कि जिस प्रकार से गुलाब का फूल सुंदर और कोमल होता है ठीक उसी प्रकार से राधा के चरण भी सुंदर और कोमल हैं। इसलिए दी गई पंक्ति में या दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर राधा के चरणों की तुलना गुलाब के फूल के समान की गई है। और यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। सबसे पहला अंग कौन सा है, उपमेय। सबसे पहला अंग कौन सा है, उपमेय है, जिसे प्रस्तुत भी कहा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और राधा के चरण, राधा के चरण क्या हैं, राधा के चरण जो हैं वह उपमेय हैं। क्या हैं, ये उपमेय हैं, क्योंकि इनकी तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है, इनकी तुलना की जा रही है। और ये प्रस्तुत हैं,
क्या हैं? ये प्रस्तुत हैं राधा के चरणों को देखकर ही हम कहते हैं कि ये क्या हैं, गुलाब के समान सुंदर हैं। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे सामने क्या होती है, प्रस्तुत होती है। इसलिए राधा के चरण क्या हैं, उपमेय हैं या प्रस्तुत हैं। और दूसरा बिंदु क्या है या दूसरा अंग कौन सा है, उपमान। उपमान को कहते हैं अप्रस्तुत, जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में अप्रस्तुत क्या है, गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल क्या है, यह है उपमान। और उपमान को क्या कहा गया है, अप्रस्तुत, क्योंकि गुलाब का फूल तो प्रस्तुत है नहीं, इसकी तो हमने कल्पना की है मन में कि राधा के जो चरण हमने देखे उन्हीं को बता दिया कि ये गुलाब की भांति सुंदर या कोमल हैं, तो गुलाब का फूल क्या हो गया, अप्रस्तुत हो गया। तो अगला जो अंग है उपमा अलंकार का, तीसरा अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है, जो गुण उपमेय व उपमान में समान रूप से हो उसी को कहते हैं साधारण धर्म। जैसे राधा के चरण और गुलाब के फूल में कौन सा गुण समान है, कोमलता। कौन सा गुण समान है, कोमलता। दोनों में एक जैसा गुण क्या है, कोमलता। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, और दोनों में गुण कौन सा है, राधा के चरण और गुलाब का फूल, दोनों में कौन सा गुण है, कोमलता है। इसलिए साधारण धर्म क्या हो गया, कोमलता। अगला जो चौथा अंग है उपमा अलंकार का, वाचक शब्द। और वाचक शब्द क्या होता है कि उपमा में समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। या कहने का अर्थ है कि उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा ऐसा शब्द है जिससे समानता लग रही हो कि दोनों में एक समान गुण हैं। तो दिए गए उदाहरण में समान एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि राधा के चरण और गुलाब के फूल में क्या है, कोमलता है। और यह शब्द ऐसा है जो बताता है कि दोनों में कोमलता है। इसी शब्द के द्वारा ही हम जानेंगे कि राधा के चरण और गुलाब के फूल में कोमलता, जो कि साधारण धर्म है, दोनों में मौजूद है। यदि उदाहरण से समान हटा दिया जाए तो राधा के चरण गुलाब के कोमल हैं, तो इस उदाहरण से वाचिक शब्द हट जाने से हमें यह नहीं पता चलेगा कि राधा के चरण और गुलाब में कौन सा गुण है। तो समान एक ऐसा शब्द है या समान वह वाचक शब्द है जिससे पता चलता है कि दोनों में एक जैसा गुण है। तो ये हैं उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग, और यह है उपमा अलंकार का उदाहरण। आप एक से दो बार वीडियो देखें और आप अपनी नोट्स तैयार कर लें। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज्वाइन कर लें और वहीं से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद।